दोस्तों ऑनलाइन गेम किस हद तक खतरनाक हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। ऑनलाइन गेम जो खेलने वाले बच्चे हैं राजस्थान या पूरे भारत की बात करें तो सालाना हजारों की तादाद में जो युवा और युवतियां हैं इस ऑनलाइन गेम की शिकार होती है और वह इस हद तक शिकार हो जाती है कि उनको आत्महत्या करनी पड़ सकती है। देखिए बात करें भारत की तो सालाना 2-3 हज़ार से ज़्यादा जो युवा युवतियाँ हैं इसकी शिकार होती है और उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। बात करें ऑनलाइन गेम जो आपके बच्चे खेलते हैं, आप सोचते होंगे कि ऑनलाइन गेम ही तो है, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन गेम के जरिए उनका जो ब्रेन वॉश किया जाता है और उसके बाद वह सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे भी कई मामले सामने आते हैं। लेकिन उसी को लेकर उसी के साथ जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है अजमेर से, जहां पर एक युवती ऑनलाइन गेम खेलती थी और उसके कानपुर के रहने वाले एक लड़के के साथ ही खेलती थी ऑनलाइन गेम। उससे बातचीत हुई, उस लड़के ने इस लड़की से जो मोबाइल नंबर है वो मांगे, इंस्टाग्राम आईडी मांगी, उससे बातचीत होना शुरू हो गई और लगातार जो बातचीत है इस लड़के से चलती रही और उसके बाद उस लड़के ने इस युवती को कानपुर बुलाया मिलने के लिए, उसको अपने पास रखा, वो बैठते थे शाम को बातचीत करते थे, बैठते थे और 2-3 दिन उनके साथ रही और उस लड़के ने इतना उस लड़के का ब्रेन वॉश कर दिया और उसको अपने झांसे में लेकर उसका रेप कर दिया और लगातार रेप करता रहा कई दिन बाद। और कानपुर से वो लड़की है जो अजमेर अपने वापस घर लौट आई और फिर उस लड़के का कॉल आया उसकी माँ के पास, उसने उस लड़के का जो वीडियो है अश्लील वीडियो बना लिया था, उसके बाद उस लड़की की माँ को लगातार कॉल मैसेज करता था, कहता था कि आपकी बेटी के हमारे पास अश्लील वीडियो और फोटो है, वरना हमें पैसे दीजिए, नहीं तो हम आपके बेटी के जो वीडियो है वह सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। उसी को लेकर बात है 2023 की और 2024 अभी नवंबर चल रहा है, करीब 2 साल तक लगातार उसकी माँ और लड़की लगातार उस लड़के से प्रताड़ित होते रहे। आखिरकार उस लड़की की माँ ने अजमेर के आदर्श नगर थाने में मामला दर्ज करवाया, पुलिस ने दुष्कर्म आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया है और करवाया और उसी को लेकर अभी जांच पड़ताल चल रही है। उस लड़के ने जो अश्लील फोटो और वीडियो लिए थे उसी को ब्लैकमेल करते हुए लड़की के साथ कई बार रेप किया, एक बार नहीं जो 10 को बार है, जो उस लड़की के साथ रेप किया, उसको बुलाता था और उसकी के साथ उसके माँ को भी है जो प्रताड़ित करता था। अब पुलिस ने ये मामला है जो दर्ज कर लिया गया है दुष्कर्म और आईटी एक्ट के तहत, उस लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब देखिए जो ऑनलाइन गेम है, आप सोचते होंगे एक तो ऐसा होता है कि ऑनलाइन गेम के जरिए आपके पैसे कट जाते हैं या आप साइबर ठग के शिकार हो जाते हैं, लेकिन आजकल जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं उसके जरिए युवा और युवती का जो ब्रेन वॉश किया जाता है और उसके तहत उनको फिर है जो ब्लैकमेल किया जाता है और लड़के और लड़कियां इस हद तक प्रताड़ित हो जाती है कि उनको सुसाइड करना पड़ जाता है। अब देखिए अगर आपका भी बेटा या आपका पड़ोसी, आपके आसपास रहने वाला आपका भाई बहन कोई भी अगर ऑनलाइन गेम खेल रहा है तो उनसे हाथ जोड़कर विनती कीजिए और उनसे जो ऑनलाइन गेम की लत है वह छुड़वा दीजिए, वरना आपके घर में भी ऐसा कोई हादसा या ऐसी घटना हो सकती है। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र, धन्यवाद।